bismillah ir-Rahman alaikum dear students this is your zoom online lecture number 10 and i am your maths teacher class 3 maths lecture number 10 first of all i am going to ask you about your previous homework which we have given to you aapne apna uh, homework kiya jo diya gaya tha now we are going to start our uh, lecture number 10 from ऑब्जेक्टिव्स अच्छा ये हमारे पास सबसे पहले आपने मेरे साथ साथ काम करना है बेटा जैसे मैंने आपको हम हर लेक्चर में आपको बताते जाते हैं कि आपने क्या करना है अपने साथ साथ अपनी कॉपी अपनी रफ़ कॉपी अपनी स्टेशनरी यू हैव टू पुट इट विद यू अपने साथ रखेंगे ठीक है ना ये आपने अपने साथ रखनी है और यहाँ पे सबसे पहले मेरे साथ साथ क्लास वर्क शुरू करेंगे और उसमें आपने लिखना है ऑब्जेक्टिव नंबर फाइव ठीक है इस मेरी इस कॉपी में भी है और आपको भी मैंने ये देखी यहाँ पे देखिए ऑब्जेक्टिव नंबर फोर वी हैव डन इट इन द लास्ट लेक्चर लेक्चर नंबर नाइन और अब मैं कर रही हूँ आपके लिए लेक्चर नंबर टेन यू कैन सी ही अब आपके पास लेक्चर नंबर टेन में हमारे पास सबसे पहले है ऑब्जेक्टिवस और ऑब्जेक्टिव में हमारे पास सबसे पहला ऑब्जेक्टिव है जो हम लिखेंगे पहले हमने सबसे पहले यू हैव टू राइट द डेट डेट हमारे पास क्या है नाइन्टीन नाइनटीन जनवरी टू थाउजेंड एंड ट्वेंटी वन ठीक है दिस इज़ योर लेक्चर्स डेट या आज आपके लेक्चर की डेट है इसके बाद है ऑब्जेक्टिव नंबर फाइव आप लिखेंगे मेरे साथ साथ लिखें हम आपको स्क्रीन शॉट भी भेजेंगे भी ठीक है डोंट वरी अबाउट दिस कि आप मेरे साथ साथ नहीं लिख सकते फर्स्ट यू हैव टू ट्राई इट आप ट्राई करें मेरे साथ साथ लिखेंगे ताकि आपके लिए कोई भी काम मुश्किल ना हो ठीक है बेटा फिर आपने ये डेट के बाद आपने दोनों साइड से बोथ साइड ऑफ योर कॉपी ड्रॉ द मार्जिन लाइन देन राइट ऑब्जेक्टिव एंड देन अंडरलाइन इट ठीक है बेटा अंडरलाइन करने के बाद आपने लिखना है सबट्रैक्ट द फॉलोइंग सबट्रैक्ट द फॉलोइंग जब आपने लिखा तो फिर आपने इसको क्या करना है इसको अंडरलाइन करना है किसको को सब्ट्रैक द फॉलोइंग को ये जैसे मैं कर रही हूँ अब आपके लिए देखें ये आपकी क्लास वर्क की तरह इस तरह नीट होता जाएगा हम क्लास में भी ऐसे ही करते हैं ना जो काम करते हैं उसको अंडरलाइन करते हैं ठीक है ये हो गया हमारे पास क्वेश्चन सब्ट्रैक्ट द फॉलोइंग अब हमारे पास नंबर वन ऑब्जेक्टिव पे हम जाते हैं डेट इज़ ट्वेंटी एट माइनस नाइन ट्वेंटी एट माइनस नाइन अब हमने यहाँ पे ट्वेंटी एट में से नाइन माइनस करना है ठीक है ट्वेंटी एट में से हम नाइन माइनस करेंगे तो हमारे पास क्या आंसर आएगा अब यहाँ पे हम थोड़ा सा रफ़र कर लेते हैं ये है ट्वेंटी एट इसमें से नाइन माइनस करें ठीक है क्या है एट माइनस एट में से नाइन नहीं जा सकता ना वी हैव टू टेक द बोरो फ्राम टू ये हो जाएगा एटीन और ये हो जाएगा वन एटीन माइनस नाइन नाइन और वन का वन नीचे उतरेगा समझ आ गया आपको दोबारा बताती हूँ कि आपने क्या करना है ट्वेंटी एट में से फर्स्ट ऑब्जेक्टिव है माइनस नाइन नाइन आपने माइनस किया तो हमारे पास एटीन में से नाइन माइनस करेंगे नाइन और नाइन एटीन होते हैं ना तो एटीन में से नाइन माइनस करें तो नाइन रह जाएगा यहाँ से टू था टू ने एक इसको बोरो दिया था ठीक है तो यहाँ पे ये रह जाएगा वन तो ये हो जाएगा नाइनटीन अब हम इसका आंसर ये जो नाइनटीन है ये हम क्या लिखेंगे ये हम अब लिखेंगे ब्लैंक में किस में लिखेंगे ब्लैंक में अच्छा अब ब्लैंक में हम लिखेंगे नाइनटीन ठीक है ये हमने नाइनटीन लिखा अब दूसरी बात ये सुने कि आपने करना क्या है आपने ऐसे करना है कि जब आपने ऑब्जेक्टिव लिख लिया ए भी यहाँ पे लिख लिया ए के बाद आपने यहाँ पे वन लिखा नंबर वन यानि पार्ट वन में आपके पास नंबर वन ऑब्जेक्टिव जो है ट्वेंटी एट माइनस नाइन इज़ इक्वल टू फर्स्ट ब्लॉक आपने छोड़ना है ठीक है बेटा देन यू हैव टू राइट ट्वेंटी एट माइनस नाइन इज़ इक्वल का साइन ये इक्वल का साइन है और इसके बाद क्या है नाइनटीन आपने ये वाला आंसर आपने लिखा जो आपने माइनस किया ठीक है ना बेटा अब हम करेंगे फोर्टी माइनस इलेवन वैसे तो हम यहाँ पे डायरेक्ट भी कर सकते हैं अगर हम यहाँ पे देखें ये इसको इसमें से माइनस करेंगे ठीक है ठीक है और इसमें से इसको माइनस करेंगे लेकिन मैं आपको रफ वर्क में करके बताती हूँ ठीक है कि ताकि आपको भी अच्छे तरीके से समझ आए यहाँ रफ वर्क है रफ़ वर्क पे हम किसको माइनस करेंगे फोर्टी में से एलेवन को माइनस करें ठीक है अब यहाँ पे ज़ीरो है जीरो में से वन नहीं जा सकता हम क्या करते हैं हम लेते हैं बोरो ये रह ये फोर है इसमें ये थ्री रह जाएगा और इसने इसको एक बोरो दे दिया ठीक है ये इट बिकम्स टेन नाउ इट बिकम्स टेन नाउ टेन माइनस वन नाइन थ्री माइनस वन टू ठीक है फोर्टी माइनस इलेवन फोर्टी माइनस इलेवन ज़ीरो में से वन नहीं जा सकता था नाइन तो हमने इसको इसके साथ क्या किया जीरो नहीं जा सकता था ना जीरो में से वन माइनस नहीं होता था हमने क्या किया इसको टेन बना दिया कैसे बना दिया हमने फ़ोर में से हमने एक इसको बरोद किया तो ये बन गया टेन टेन और ये पीछे क्या बन गया ये थ्री रह गया ठीक है ना इससे एक ले लिया था ना तो ये अब थ्री रह गया अब ये टेन में से वन गया नाइन और थ्री माइनस वन टू तो यहाँ पे हमारे पास आंसर आ गया है ट्वेंटी नाइन अब यहाँ पे हम दिखेंगे ट्वेंटी नाइन ठीक है समझ आ गया ना बेटा अब हमारे पास है नंबर थ्री ऑब्जेक्टिव ठीक है अभी हमने कितना कौन सा ऑब्जेक्टिव किया नंबर टू अब हम करेंगे फोर्टी फ़ोर माइनस ज़ीरो अच्छा किसी भी नंबर से अगर हम ज़ीरो माइनस करें तो इट्स मीन नथिंग यानी ज़ीरो का मतलब होता है हम कुछ ऐड करें या ज़ीरो माइनस करें तो इसका मतलब है कि वो सेम टू सेम वही नंबर रहता है समझ आइए ना बेटा अब फोर्टी फ़ोर में से हम माइनस करें ज़ीरो या हम थाउजेंड में से ज़ीरो माइनस करें इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता ये वैसे का वैसा ये फोर्टी फ़ोर वैसे का वैसा ही रहेगा अगर हम इसमें से थाउजेंड माइनस करते हैं थाउजेंड में से हम वन जीरो माइनस करते हैं हम इलेवन से हम ट्वेल्थ से हम फिफ्टी से हम हंड्रेड से माइनस करते हैं जीरो किसी भी नंबर से अगर हम जीरो सब्ट्रैक करते हैं तो वो रिमेन सेम रहेगा ठीक है बेटा अब फोर्टी फोर में से अगर हमने ज़ीरो माइनस किए तो इसका आंसर भी फोर्टी फोर रहेगा इसका आंसर भी फोर्टी फोर रहेगा ठीक है ये देखें फोटी फोर अच्छा अब हमारे पास ये हो गया वन टू एंड थ्री ये ऑब्जेक्टिव हमने कर लिए ना इसके बाद हम करेंगे फिल इन द ब्लैंक्स इसके बाद हम क्या करेंगे फिल इन द ब्लैंक्स फिल इन द ब्लैंक्स में हमारे पास कितनी ब्लैंक्स हैं ये ब्लैंक्स में हमारे पास सिर्फ़ और सिर्फ एक ब्लैंक है कितनी ब्लैंक्स हैं एक ब्लैंक है और एक ब्लैंक में भी हमारे पास हमने सिर्फ़ और सिर्फ उसमें एक ब्लैंक में हमने क्या किया कि हमने उसको वो किया कि यहाँ पे वन लिख दिया अगर हम इसी तरह वन टू थ्री और फोर लिखते हैं तो फिर ये बीच में बी था ना ये बी पार्ट था फिर ये चेंज हो जाता इसलिए हमने यहां पे बी लिखा और यहां पे लिखा वन आंसर ऑफ सब्ट्रैक्शन इज कार्ल डैश देखिए मैंने आपको अभी पिछले ऑब्जेक्टिव में करवाया था कि आंसर ऑफ डिवीजन आंसर ऑफ सम इज द आंसर ऑफ एडिशन ठीक है ना याद हो तो आपको ये ऑब्जेक्टिव हमने किए थे ना ये लास्ट ऑब्जेक्टिव हमने किया था आंसर ऑफ एडिशन इज कार्ड सम तो इसके बाद ये सब्ट्रैक्शन हो रही है तो सप्ट्रैक्शन में हमारे पास क्या है कि आंसर ऑफ सप्ट्रैक्शन इज कार्ड सप्ट्रैक्शन जब हम करते हैं तो उसके आंसर को क्या कहते हैं जब उसका आंसर आ जाता है तो हम उसको क्या कहते हैं डिफ्रेंस क्या कहते हैं डिफ्रेंस आप डिफरेंस कैसे लिखते हैं वो मैं अभी आपको बताती हूं कि डिफरेंस कैसे लिखते हैं लेकिन आप पहले ये सोचें कि आंसर ऑफ सब्ट्रैक्शन इज कारिफरेंस डिफरेंस हम कब कब यूज करते हैं आपको कुछ याद हो तो ठीक है याद हो मैं आप हम लोग आपको जब क्वेश्चन देखते हैं अगर हम ऊपर क्वेश्चन देते हैं और कहते हैं फाइंड द डिफरेंस ठीक है और नीचे सब्ट्रैक्शन के क्वेश्चन होते हैं तो इसका मतलब है ना कि आप इसको सब्ट्रैक करें सम टाइम क्वेश्चन आ जाता है फाइंड द डिफरेंस उसमें ये क्वेश्चन नहीं होता का फाइंड सब्ट्रैक्ट द फॉलोइंग ठीक है क्वेश्चन uh, आ जाता है फाइंड द डिफरेंस तो हम डिफरेंस फाइंड करते हैं तो डिफरेंस में हम क्या करते हैं हम सब्ट्रेक्शन करते हैं मैंने आपको लास्ट लेक्चर में भी बताया था कि जब हम एडिशन करते हैं और एडिशन के आंसर को हम कहते हैं सम जब हम सब्ट्रेक्शन करते हैं इसके आंसर को कहते हैं हम डिफरेंस इसी तरह जब हम मल्टीप्लीकेशन करते हैं तो उसके आंसर को हम कहते हैं प्रोडक्ट ठीक है ना मैंने आपको बताया था याद हो तो अभी लास्ट लेक्चर में मैंने आपको सारा समझाया इसी तरह डिवीज़न के आंसर को हम कहते हैं क्वेश्चन क्या कहते हैं क्वेश्चन अब अब आपको याद होगा अब बार बार मैं आपको इसको एक बात को रिपीट कर रही हूं कि आंसर ऑफ सब्टन इज कॉल्ड डिफरेंस आंसर ऑफ सब्ट्रैक्शन इज़ कार्ड डिफरेंस। आपने आंसर ऑफ सब्ट्रैक्शन को डिफरेंस तो आपने लिख लिया लेकिन डिफरेंस के आपको स्पेलिंग याद होनी चाहिए स्पेलिंग याद होनी चाहिए ठीक है डिफरेंस की क्या स्पेलिंग है डी आई डबल एफ ई आर ई एन सी ई डिफरेंस की क्या स्पेलिंग है डी आई डबल एफ ई आर ई एन सी ई डिफरेंस अच्छा ये तो हो गए हमारे पास ऑब्जेक्टिव नंबर फाइव जो आज हमने किए हैं ठीक है ऑब्जेक्टिव नंबर फाइव अब हम करेंगे यहाँ पे इसके दो आपके पास रफ़र भी थे रफ़र के साथ साथ मैं आपके लिए थोड़ा सा रफ़र के लिए ये ज़रा थोड़ा सा लाइन लगा लूँ ताकि आपको ये पता चल जाए कि ये दो रफ हैं और इनको आपने इसी तरह अपनी क्लास वर्क कापी में भी काम करना है नीट नीट ओके आपने कोई चीज़ कुछ भी मिस्टेक कुछ भी नहीं छोड़ना ट्वेंटी एट में से नाइन माइनस करें नाइनटीन फोटी माइनस इलेवन हमने माइनस किया तो ट्वेंटी नाइन ठीक है अब ये आपने आंसर इधर लिख दिया अब आपके पास ये जब आ गए तो आपने क्या किया आपने ये जब ख़त्म कर लिया इसके बाद एंडिंग लाइन लगा ली और इसके बाद अब हम लोग नेक्स्ट पेज पे करेंगे आप भी मेरे साथ साथ जो काम मैं जिस पेज पे करवाऊँ उतने पेज पे करें और जितना काम मैं दूसरे पेज पे करवाऊंगी वो आपने दूसरे पेज पे करना है ठीक है लेकिन आपकी कॉपी इसी तरह मेरी तरह नीट, नीट नीट आपने काम करना है कुछ काम गलत नहीं करना कुछ ब्लॉक्स ज़्यादा नहीं छोड़ने काम गंदा गंदा अनटाइडी नहीं करना ओके नाउ कम टू द ऑब्जेक्टिव नंबर सिक्स फर्स्ट यू हैव टू राइट द डेट आपने सबसे पहले डेट लिखनी है ठीक है डेट हमारे पास क्या है आज की डेट है हमारे पास है 19 आज की डेट है हमारे पास 19 ये देखें नाइनटीन जनवरी टू थाउजेंड एंड ट्वेंटी वन टू थाउजेंड एंड ट्वेंटी वन ये हमारे पास है डेट ऊपर लिखेंगे हम ऑब्जेक्टिव ये नंबर फाइव ऑब्जेक्टिव था ना ये है नंबर सिक्स ऑब्जेक्टिव इसी तरह प्यारा प्यारा जैसे नंबर फाइव आपने लिखा अब आप ऊपर लिखेंगे ऑब्जेक्टिव्स नंबर सिक्स अब आपके पास है मल्टीप्लाई द फॉलोइंग मैं कॉपी आपके सामने इसीलिए रखी हुई है कि आपको जो मसला हो जहाँ पे कोई प्रॉब्लम हो वो आप अपने साथ साथ सॉल्व करें यहाँ पर भी हमने थोड़ा सा यहाँ पे अंडरलाइन नहीं किया था ये भी अंडरलाइन आपको करके बताती चलूँ कि आपने अंडरलाइन हर जगह पे करना है नीच नीच अच्छा अब आपके पास है मल्टीप्लाई द फॉलोइंग तो आपने इसको भी अंडरलाइन करना है आपने सबसे पहले लिखा मल्टीप्लाई और इसके बाद आपने इसको रूलर के साथ टेक द रूलर इन योर हैंड देन अंडरलाइन दिस क्वेश्चन और मल्टीप्लाई द फॉलोइंग के बाद मल्टीप्लाई का क्या मतलब हो गया अब आपने मल्टीप्लिकेशन के बताने हैं ठीक है ना ये ऑब्जेक्टिव जो होंगे मल्टीप्लिकेशन के होंगे अब इस मल्टीप्लिकेशन में हमारे पास उसी तरह हर तरफ जो है तीन चार जो है हमारे पास ऑब्जेक्टिव थे ना जैसे लास्ट ऑब्जेक्टिव नंबर फाइव था उसमें हम लोगों ने चार ऑब्जेक्टिव किए थे इसी तरह अब इसमें जो है हमारे पास कितने ऑब्जेक्टिव हैं इसमें भी हमारे पास फ़ोर ऑब्जेक्टिव हैं ठीक है तो फोर ऑब्जेक्टिव में हम क्या करेंगे नंबर वन ऑब्जेक्टिव है सिक्स हंड्रेड फोर्टी सेवन मल्टीप्लाई बाई जीरो सिक्स हंड्रेड फोर्टी सेवन आपने इसी तरह लीव करना है वन ब्लॉक लीव करना है आपने वन ब्लॉक लीव किया और आपने यहाँ पे लिखा नंबर वन और आप लिखेंगे सिक्स हंड्रेड फोर्टी सेवन सिक्स हंड्रेड फोर्टी सेवन मल्टीप्लाई विद ज़ीरो ज़ इक्वल टू अब आप ये बताएं कि मैंने आपको बताया कि अगर हम माइनस करते हैं तो वो नंबर सेम रहता है यानी अगर यहाँ पे सिक्स हंड्रेड फोर्टी सेवन माइनस ज़ीरो होता तो हम सिक्स हंड्रेड फोर्टी सेवन लिखते लेकिन एक बात मैं आपको फॉर एवर बताती चलूँ कि आपने ये बात अपने माइंड में बिठा लेनी है कि एनी थिंग विच इज़ गंग टू मल्टीप्लाई विद जीरो इट बिकम ज़ीरो ठीक है ना जो चीज़ भी मल्टीप्लाई जो नंबर भी मल्टीप्लाई होता है ज़ीरो के साथ वो सारा डिजिट वो सारी फिगर वो सारा नंबर जो होता है वो होल डिजिट होल नंबर्स जो होते हैं सारे वो ज़ीरो हो जाते हैं समझ आइए है मेरी बात को मैं दोबारा कहती हूँ देखो सिक्स हंड्रेड फोर्टी सेवन है इसको जब हम जीरो से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास क्या हो जाएगा ये टोटल नंबर ये सिक्स हंड्रेड फोर्टी सेवन नहीं रहेगा ये ज़ीरो 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 हो जाएगा अगर अब मैं आपको कह रही हूँ कि अगर हम नाइन हंड्रेड यहाँ होता या ये सिक्स हंड्रेड माइनस ज़ीरो होता माइनस जीरो हम करते तो फिर ये क्या होता ये वही नंबर आ जाता सिक्स हंड्रेड फोर्टी सेवन आ जाता ये वट एवर जो यहाँ पे नंबर होता वो आ जाता लेकिन यहाँ पे जब हम मल्टीप्लाई कर रहे हैं ना तो मल्टीप्लिकेशन में ये होता है कि जो नंबर जिस नंबर के साथ भी ज़ीरो मल्टीप्लाई होता है वो सारा नंबर जो होता है सारे डिजिट जो होते हैं वो जीरो हो जाते हैं अब हमारे पास सिक्स हंड्रेड फोर्टी सेवन है तो है जीरो के साथ मल्टीप्लाई होगा तो वो जीरो हो जाएगा अब वन टाइम ज़ीरो लिखे टू टाइम जीरो लिखे या थ्री टाइम ज़ीरो लिखे इट डजन मैटर ठीक है वो आपके पास ज़ीरो तो हो गया फुल अब आपने क्या करना है नाइन हंड्रेड सेवेंटी फोर मल्टीप्लाई बाय टेन 974 हंड्रेड मल्टीप्लाई बाई टेन अब इसको 10 के साथ मल्टीप्लाई करना मैं आपको एक बात बताती चलूँ यहाँ पे आप देखें यहाँ पे रफ़ फ़र्क में मैं आपको बताती हूँ कि अगर आप मल्टीप्लाई करते हैं इसको 974 को 974 को 10 से मल्टीप्लाई करते हैं ठीक है तो ये प्रोसेस हमारे पास थोड़ा सा लेंथी हो जाता है थोड़ा सा लंबा हो जाता है ये देखें फोर ज़ीरो ज़ा ज़ीरो ज़ीरो सेवन ज़ा ज़ीरो ज़ीरो नाइन जा ज़ीरो ठीक है मल्टीप्लाई वन फोर ज़ा फोर वन सेवन जो सेवन एंड वन नाइन जा नाइन नज़र आ रहा है ना अब हमारे पास हम इसको ऐड भी करेंगे ना जैसे हम लोग करते होते हैं यहाँ पे देखें ज़ीरो में ज़ीरो ज़ीरो फोर सेवन एंड नाइन नाइन थाउजेंड सेवन हंड्रेड फोटी फ़ोर्टी ठीक है अब मैं आपको एक बात शॉर्टकट बताती हूँ आपको इसमें शॉर्टकट में यह है कि आप हमेशा के लिए जो बातें मैं बता रही हूँ वो आपने फॉर अपने पास दिमाग में याद रखनी है ठीक है बेटा अब जो नाइन हंड्रेड नाइन थाउजेंड सेवन हंड्रेड फोर्टी है ये तो लॉन्ग मेथड है ना अगर हम इसको शॉर्ट में करते हैं इसको हम शॉर्ट में करते हैं नाइन हंड्रेड ठीक है इसको हम टेन से मल्टीप्लाई करते हैं तो हमारे पास ईजी एक मैथड ये है कि हम एक जीरो बढ़ा देते हैं नाइन सेवन हंड्रेड फोर्टी अगर यहाँ पे टेन से मल्टीप्लाई है ना तो एक जीरो मैंने बढ़ा दिया अगर यहाँ से ट्वेंटी हंड्रेड से मल्टीप्लाई होता तो मैं दो ज़ीरो इधर कर देती अगर यहाँ पे थाउजेंड से मल्टीप्लाई होता है तो मैं तीन जीरो आगे कर देती टेन थाउजेंड से मल्टीप्लाई होता है तो मैं फ़ोर जीरो आगे कर देती समझ आई है फोर जीरो इसके साथ ऐड कर देती मैं इतना लंबा प्रोसेस ना करती हमारे लिए जब भी होल नंबर जो होता है अगर टेन या ट्वेंटी या फुल नंबर से मल्टीप्लाई होता है टेन से मल्टीप्लाई होता है हंड्रेड से मल्टीप्लाई होता है और थाउजेंड uh, से मल्टीप्लाई होता है तो जितने नंबर आगे डिजिट में ज़ीरो होते हैं हम जीरो उसके साथ ऐड कर देते हैं यहाँ पर देखें ये नाइन को जब आपने वन से मल्टीप्लाई करें तो फिर तो नाइन ही आता है ना लेकिन इसके साथ एक ज़ीरो हमने ऐड किया तो ये ज़ीरो हमने इसके साथ कर दिया इसको देखें ये इस नंबर के साथ ज़ीरो एक ऐड हो गया क्योंकि ये टेन मल्टीप्लाई हो रहा है यहां पे देखिए इसका आंसर हमने मैंने आपको इसको नीट करके भी बताया है कि इसको अगर लॉन्ग मेथड से करें तो हमारे पास ये आता है समझ आई है ना अगर हम इस तरह पूरा इसको प्रोसेस के थ्रू करें तो हमारे पास ये आता है और अगर हम इसको डायरेक्ट मल्टीप्लाई करें तो क्या आएगा हमारे पास डायरेक्ट में हमारे पास एक जीरो और इंक्रीज हो जाएगा ठीक है अगर आप इसको डायरेक्ट की बजाय अगर आप इसको उस तरह करना चाहते हैं लंबे मेथड से करना चाहते हैं तो यू कैन डू इट लाइक दिस बट मैं आपको ये बताती हूँ कि यहाँ से ये लंबा मेथड से अच्छा है कि आपको यहाँ पे अच्छे तरीके से समझ आ जाए कि जब भी कोई नंबर टेन हंड्रेड थाउजेंड से मल्टीप्लाई होता है तो जितने नंबर्स होते हैं यानी टेन है एक ज़ीरो है तो एक ज़ीरो इसके साथ इंक्रीज़ हो जाता है अगर हंड्रेड है टू जीरो आ जाते हैं तो इसके साथ टू जीरो लग जाएंगे फोर के आगे टू जीरो अगर थाउजेंड है थ्री ज़ीरो हैं तो थ्री ज़ीरो इसके साथ लग जाएंगे ओके बेटा अब हम आते हैं सिक्सटी को मल्टीप्लाई बाय थ्री तो अब हम सिक्सटी को थ्री के साथ मल्टीप्लाई करेंगे इधर देखें सिक्सटी को थ्री से मल्टीप्लाई करते हैं क्या आएगा आंसर हमारे पास थ्री जीरो जार जीरो सिक्स थ्री ज़ार एटीन ठीक है तो आंसर क्या आया वन हंड्रेड एटी आंसर क्या आया वन हंड्रेड एंड एटी सिक्सटी को थ्री से मल्टीप्लाई करें वन हंड्रेड एटी आया है फिल इन द ब्लैंक्स अब हमारे पास ये थ्री ऑब्जेक्टिव थे ना ये खत्म हो गए ठीक है ये ऑब्जेक्टिव तो खत्म हो गए अब हम लोगों ने इसका क्या करना है कि अब हम क्या करेंगे अब हम इसका ऑब्जेक्टिव्स करेंगे ये बी पार्ट करेंगे क्या करेंगे बी पार्ट और बी में हमारे पास क्या है बी में हमारे पास ये ए था ना आपने वन टू थ्री द नीचे लिखे फिर आपने लिखा बी ठीक है बी में आपने क्या लिखा बी में आपने लिखा है प्रोडक्ट इज़ द आंसर ऑफ डैश ये आ गया आपके पास ए ये आ गया आपके पास ए मैंने आपको कहा ना ये आ गया आपके पास एन ए वन या वन लिख दें या ए लिख दें ये वन लिख देते हैं ठीक है इसका भी ये वन आ गया जैसे हमने पिछले लिखा ये भी वन आ गया अब आपके पास ये बताती चलूँ कि जब आपने हमने लास्ट ऑब्जेक्ट फाइव किए थे अब हम सिक्स कर रहे हैं सिक्स में भी पहले तीन फिर भी लास्ट में भी पहले तीन फिर भी था अब आपके पास प्रोडक्ट इज द आंसर ऑफ डैश मैंने अभी आपको बताया है कि जब एडिशन के आंसर को हम कहते हैं सम जब सब्ट्रेक्शन के आंसर को कहते हैं डिफरेंस, तो प्रोडक्ट किसके आंसर को कहते हैं प्रोडक्ट कहते हैं मल्टीप्लिकेशन के आंसर को प्रोडक्ट कहते हैं मल्टीप्लिकेशन के आंसर को किसके आंसर को कहते हैं मल्टीप्लिकेशन के आंसर को कहते हैं ठीक है बेटा तो जब हमारे पास मल्टीप्लाई आता है ना मल्टीप्लीकेशन यहाँ पे देखें हम कैपिटल भी एम डाल सकते हैं और हम स्मॉल भी डाल सकते हैं मल्टीप्लीकेशन सी ए टी आई ओ एन एम यू एल टी आई पी एल आई सी ए टी आई ओ एन मल्टीप्लीकेशन ठीक है मल्टीप्लाई से निकला है ना मल्टीप्लाई से निकला है तो इसको क्या कहते हैं मल्टीप्लीकेशन दोबारा देखते हैं अच्छा अब आपके पास सम टाइम ऐसे क्वेश्चंस आते हैं सम जो आते हैं क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए तो उसके ऊपर आता है फाइंड द प्रोडक्ट फाइंड द प्रोडक्ट ज़रूरी नहीं है कि वो मल्टीप्लाई होता है फाइंड द प्रोडक्ट कहते हैं नीचे क्वेश्चन गिवन होता है उसमें आपके पास मल्टीप्लीकेशन का इस तरह साइन होता है इट्स मीन कि आपने प्रोडक्ट फाइंड करना है ठीक है बेटा तो प्रोडक्ट आपको जब पता ही नहीं होगा कि प्रोडक्ट कहते किस हैं तो आप क्या करेंगे आपको पता होना चाहिए ठीक है आपको पता होना चाहिए कि जब वो प्रोडक्ट का वर्ड यूज़ हो रहा है तो अब आपने कौन सा प्रोसेस करना है आपने करना है मल्टीप्लीकेशन को ओके अच्छा इसके बाद हमारे पास ये यह यहाँ पे हमने जब ये क्वेश्चन ख़त्म किया मल्टीप्लीकेशन आपने लिख लिया इसके बाद हम एंडिंग लाइन लगाएंगे इस एंडिंग लाइन को लगाने के लिए ज़रूरी इसलिए कि ये आपके साथ ये ज़रा सेपरेट हो जाते हैं और ये ठीक हो जाते हैं ज़रा नीट नीट लगता है आपका काम ठीक है बेटा प्रोडक्ट इज़ द आंसर ऑफ multiplication. प्रोडक्ट इज द आंसर ऑफ multiplication. 60 को 3 के साथ मल्टीप्लाई करें तो 180 एटी आया इसका मतलब है ये जो प्रोडक्ट हमने फाइंड किया है ये जो हमने मल्टीप्लाई किया है तो ये जो आया इसको कहते हैं प्रोडक्ट मल्टीप्लीकेशन के आंसर को प्रोडक्ट कहते हैं ठीक है थीके? अच्छा ये थे हमारे पास ऑब्जेक्टिव नंबर सिक्स अब हम करेंगे हमारे पास ये आपके पास तीन पेजेज हैं जो मैं आपको आज करवा रही हूँ डैट इज़ ऑब्जेक्टिव नंबर सेवन ठीक है डिवीजन डिवाइड द फॉलोइंग डिवाइड द फॉलोइंग अब इसी तरह आपने इसके ऊपर भी डेट लिखनी है टूडेज डेट इज नाइनटींथ जनवरी टू थाउजेंड एंड ट्वेंटी वन ये आपने लिख लिया इसके बाद आपने मार्जिन लाइंस लगाई टू लाइंस लगाएंगे मार्जिन लाइंस ड्रॉ द मार्जिन लाइन एट द बोर्ड साइड ऑफ योर कॉपी देन राइट ऑब्जेक्टिव्स देन अंडरलाइन दिस देन राइट द डिवाइड द फॉलोइंग इट्स मीन कि अब ये जो ऑब्जेक्टिव हैं दिज इज दीज और आल अबाउट द डिवीजन ठीक है डिवीजन के लिए ये सारे तो हम यहाँ पर लिखें इसको अंडरलाइन करेंगे अंडरलाइन के बाद हमने करना है डिवाइड द फॉलोइंग में हमारे पास आएगा ट्वेंटी फाइव डिवाइडेड बाई फाइव अब हमने ये आप लोगों को याद होगा अभी मैंने आप लोगों को जो डिवीजन के क्वेश्चन करवाए थे तो उसमें मैंने आपको बताया था बल्कि हमारे पास टू पॉइंट एलेवन जो थी वो फुल एक्सरसाइज ऐसी थी फुल एक्सरसाइज ऐसी थी जिसमें हमारे पास डायरेक्ट आंसर हमने लिखने थे याद है ना सबको ना हमने डायरेक्ट आंसर लिखने थे तो डायरेक्ट आंसर के लिए हम लोगों ने क्या किया था कि ट्वेंटी फ़ाइव डिवाइडेड बाई फाइव इट्स मीन हमने फ़ाइव का टेबल ट्वेंटी फाइव तक पढ़ना है हमने फ़ाइव का टेबल पढ़ना है कि ताकि हमारे पास ट्वेंटी फाइव आ जाए तो फाइव का टेबल ट्वेंटी फाइव तक पढ़े फ़ाइव वन ज़ार फ़ाइव फ़ाइव टू ज़ार टेन फाइव थ्री ज़ार फिफ़टीन फ़ाइव फोर ज़ार ट्वेंटी फाइव फाइव ज़ार ट्वेंटी फ़ाइव तो हमारे पास आंसर क्या आएगा यहाँ पे हमारे पास आंसर आएगा फ़ाइव क्या आंसर आएगा हमारे पास आंसर आएगा हमारे पास फ़ाइव अब यहाँ पे हम लिखेंगे फाइव ठीक है अच्छा अब हमारे पास है फोर्टी एट डिवाइडेड बाई सिक्स फोर्टी एट डिवाइडेड बाई सिक्स इज़ इक्वल टू अब हम क्या करेंगे सिक्स का टेबल रीड आउट करेंगे सिक्स वन जा, सिक्स टू ज़ा ट्वेल्व सिक्स थ्री ज़ार एटीन सिक्स फोर ज़ार ट्वेंटी फोर सिक्स फाइव ज़ा थर्टी सिक्स सिक्स ज़ार थर्टी सिक्स सिक्स सेवन ज़ार फोर्टी टू सिक्स एट ज़ार फोर्टी एट सिक्स नाइन ज़ार सिक्स एट ज़ार फोर्टी एट सिक्स एट ज़ार फोर्टी एट अब हम क्या करेंगे हम लिखेंगे सिक्स एट ज़ार फोर्टी एट यानी एट पे आ जाता है सिक्स एट ज़ार फोटी एट यानी सिक्स का टेबल पढ़ा और एट पे जाके आया हमारे पास फोर्टी एट सिक्स एट ज़ार फोर्टी एट ठीक है बेटा अब हम पढ़ेंगे किसके टेबल पढ़ेंगे यहाँ तो टेबल ही नहीं लिखा हुआ अब आप मुझे बताएं यहाँ पे तो टेबल ही नहीं लिखा हुआ तो यहाँ पे हम कैसे टेबल पढ़ेंगे किसका टेबल पढ़ेंगे अब आपके पास आपके पास आपने माइंड से सोचना है अपने कि यहाँ पे कौन सा टेबल आएगा जिसका आंसर थ्री आए यानी अगर देखें फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे लिख देती हूँ फाइव तो फाइव का टेबल अगर पढ़ूंगी तो फाइव सिक्स ज थर्टी सिक्स उधर आता है इसका आंसर तो थ्री नहीं आता चले मैं टू का टेबल यहाँ पे टू लिख देती हूँ अगर मैं टू लिखती हूँ तो टू के टेबल में तो फिफ्टीन पे आता है टू फिफ्टीन ज थर्टी ठीक है ना टू फिफ्टीन ज़ा थर्टी तो तब भी थ्री नहीं आता आंसर थ्री आना चाहिए मैं सारे टेबल लेके चेक करती हूँ ठीक है अब थ्री का टेबल लें चले मैं थ्री ले लेती हूँ तो थ्री का टेबल लें ले थ्री के टेबल में कहाँ पे आता है थ्री टेन ज़्यादा थर्टी थ्री के टेबल में कहाँ पे थर्टी आता है थ्री टेन ज़ा थर्टी तो यहाँ पे तो आंसर हमारे पास टेन नहीं है ठीक है ना बेटा यहाँ पे तो आंसर हमारे पास टेन नहीं है अब क्या करें अब हम लेते हैं चले मैं आगे जाती हूँ आपके लिए मैं लेती हूँ नया दूसरा टेबल फ़ोर का टेबल ले लेती हूँ फ़ोर के टेबल में तो थर्टी आता ही नहीं है फ़ाइव लेते फाइव सिक्स ज़्यादा थर्टी, थर्टी फिर भी यहाँ पे ये आंसर सिक्स नहीं आ रहा अगर मैं सेवन लेती हूँ सेवन के टेबल में थर्टी नहीं है एट के टेबल में भी थर्टी नहीं आता है एट फोर ज़ा थर्टी टू आता है नाइन के टेबल में भी अगर मैं टेन का टेबल लेती हूँ चले मैं टेन का टेबल लेती हूँ तो टेन के टेबल में थर्टी कहाँ पर आएगा टेन वन जा टेन टेन टू जा ज़ार टे ट्वेंटी टेन थ्री जा थर्टी टेन थ्री जा थर्टी तो यहाँ पे आता है आपके पास टेन यहाँ पे आएगा आपके पास टेन क्या आएगा टेन टेन के टेबल में थर्टी जो है थ्री पर आता है टेन के टेबल में थर्टी जो है वो थ्री पर आता है टेन थ्री ज़ार थर्टी समझ आया ना बेटा अब हम करेंगे फिल इन द ब्लैंक्स ये आ जाएगा बी पार्ट बी पार्ट को करने के लिए भी हमने इसी तरह करना है इसको पहले अंडरलाइन करें ठीक है ये अंडरलाइन कर दिया अब आपने लिखना यहाँ पे आपके पास आएगा बी पार्ट में ये वन टू थ्री हमने किए ठीक है बेटा अब हम करेंगे फिल इन द ब्लैंक्स नंबर वन क्वेश्चन इज द आंसर ऑफ डैश अभी था पहले सम था सम में आप लोगों ने बताया कि द आंसर ऑफ एडिशन इज कॉल्ड सम माइनस की बारी थी सब्ट्रैक्शन की बारी थी तो द आंसर ऑफ डिफरेंस ठीक है इसी तरह मल्टीप्लिकेशन की बारी थी तो मल्टीप्लिकेशन में हमने क्या कहा द प्रोडक्ट इज द आंसर ऑफ मल्टीप्लिकेशन अब आ जाइए डिवीजन की बारी है तो डिवीजन में हमारे पास आता है क्वेश्चन इज द आंसर ऑफ डिवीजन क्वेश्चन इज द आंसर ऑफ डिवीजन अब हम यहां क्या लिखेंगे डिवीजन स्पेलिंग सही सही लिखनी है ठीक है बेटा इसमें मैंने रफर कोई भी, भी नहीं किया इसमें रफ़र की कोई ज़रूरत नहीं है हाँ इफ़ यू वांट टू डू इट आप यहाँ पे रफ़र करना चाहते हैं तो आप रफ़र कर सकते हैं लेकिन इट नॉट नेसेसरी ठीक है ना ज़रूरत नहीं है लेकिन अगर आप करना चाहते हैं यू कैन डू इट अगर आपको रफ़र के बगैर नहीं आ रहा समझ नहीं आ रही तो आप कर सकते हैं आप इसका भी रफ़र कर सकते हैं आप इसका भी रफ़र कर सकते हैं आप इसका भी रफ़र कर सकते हैं अगर कहते हैं तो मैं आ, मतलब अगर आपको समझना आए तो मैं आपको समझा भी दूंगी ठीक है यहाँ पे देखें अगर हम ट्वेंटी फाइव का रेफर करें ये ट्वेंटी फाइव को अगर हम फाइव पे डिवाइड करें यहाँ पे ये देखें तो हमारे पास क्या आ जाएगा फाइव फाइव सर ट्वेंटी फाइव फ़ाइव फाइव ज़ार ट्वेंटी फ़ाइव ठीक है ये हमारे पास आंसर आ गया याद है ना मैंने अभी आपको बताया कि फ़ाइव फाइव ज़ार ट्वेंटी फ़ाइव आएगा ये ये हमारे पास इसका रफ फर्क हो गया इसका भी रफ फर्क मैं आपको बता देती हूँ अगर आप लोगों को कुछ मसला है तो वैसे तो बहुत ईजी है हम लोगों ने इसका डायरेक्ट टेबल पढ़ना है फोर्टी एट और सिक्स तो हम लोग क्या करेंगे सिक्स एट ज़ार फोर्टी एट ठीक है एट माइनस एट ज़ीरो सिक्स माइनस सिक्स फ़ोर माइनस फोर ज़ीरो अच्छा अब आपने क्या करना है यहाँ पे हमने लगानी है अपनी एंडिंग लाइन ठीक है अब हमने एंडिंग लाइन लगाई और इसके बाद हम आते हैं अपने होमवर्क के ऊपर आज का जो होमवर्क आपको गिवन है जो मैं दूंगी दिस इज़ डू प्रैक्टिस ऑफ ऑल ऑब्जेक्टिज़ विच हैज़ बिन डन इन योर जूम ऑनलाइन क्लास जो मैं आपको जूम ऑनलाइन क्लास में मैंने करवा चुकी हूँ फोर फाइव सिक्स सेवन तो आपने इन सब के प्रैक्टिस रफ कॉपी में करनी है ठीक है बेटा दिस वॉज़ योर लेक्चर नंबर टेन फॉर क्लास थ्री जूम ऑनलाइन लेक्चर नंबर टेन थैंक यू क्लास स्टे ब्लेस स्टे हैप्पी